मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में मीशो होम डेकोर हॉल शेयर करने वाली हूँ। देखा जाए तो ये पार्ट 3 हॉल होने वाला है। तो मीशो से जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी कुछ मैंने परचेस कर रखा था, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं वैसे वैसे वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती जा रही हूँ। फर्स्ट सेकेंड हॉल शेयर कर दिया है, ये थर्ड हॉल होने वाला है। तो क्या कुछ मुझे रिसीव हुआ है चलिए वो देखते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जब भी मैं जो भी वीडियो डालूँ आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे होम डेकोर हॉल को पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस आगे ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट देते रहिएगा। सो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, वो मैंने मंगाया है, एक यहाँ पे वॉश मंगाया है। तो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में रिसीव हुआ है और जैसे पार्ट में रिसीव हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले स्टैंड मिल जाता है, इसमें मैंने पेयर मंगाए हैं, यहाँ पे दो वॉश मंगाए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, इसमें रॉड मिल जाती है। इसको असेंबल करना पड़ेगा, मैं वो भी लगा दूंगी कि असेंबल करने के बाद में कैसा लगता है। तो इस तरह से हो गया, इसके सिंपल भाषा में बोल लिया जाए तो पैर। और ये स्टील है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी है ये। अभी इसको मैंने ओपन भी नहीं किया था, बस ऊपर से बॉक्स अनबॉक्सिंग कर लिया था। तो आप देख सकते हैं स्टील है और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से इसके दो पैर हो गए। और अब इसमें आपको मिल जाता है इस तरह से असेंबल करने के लिए, ये प्लास्टिक का गोल्डन कलर का कुछ मिल जाता है इसमें। जब भी असेंबल करूँगी मैं वीडियो लगा दूँगी साइड में। सो ये है। और उसके बाद आपको ये वॉश मिल जाता है, मिल जाता है फ्लावर वॉश है ये, और इसको डेकोरेशन के लिए आप यूज़ भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो नेट होता है, स्टील का नेट है, ये लगा हुआ है इस तरह से, ऊपर मोल्डिंग है। बट हाँ, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, तार ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे। जैसे अगर छोटे बच्चे बच्चे हैं ना तो उनको लग सकता है, ये थोड़ा सा रिस्की है। या तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे सेलो टेप लगा दीजिए, वो बेस्ट है। नीचे के साइड भी आप सेलो टेप लगा सकते हैं क्योंकि तार यहाँ पे निकला हुआ। बस ये थोड़ी चीज़ अच्छी नहीं लगी, बाकी फिनिश वगैरह क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। नेट पैटर्न में मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी है, जैसे साइज वाइज बेस्ट है ये। हाँ, मुझे 500 में 2 वॉश रिसीव हुए हैं तो काफ़ी अच्छे हैं। और इनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो, ये देख रहे हैं इनकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखिए 2.5 फीट से ज़्यादा इनकी हाइट है। तो जब भी मैं लगाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। तो ये स्टील में है, आया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी है। पता नहीं ये रियल स्टील है, मेटल है, क्या है, बट फिनिश स्टील वाली है और काफ़ी हैवी लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो ये हो गया है। एंड जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, अभी इसको मैंने अनबॉक्स ही नहीं किया है और ये पता नहीं मुझे 3-4 दिन हो गया रिसीव हुए। तो इसमें क्या है भाई? अच्छा हाँ, तो इसमें मैंने मंगाया था, ये हुक मंगाए हैं। देखिए इसमें हुक मंगाए हैं मैंने इस तरह से। देखिए इसमें कितने पीस का है, ये 30 पीस का मैंने हुक मंगाया है। इसमें आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। तो क्या होता है इसमें, जैसे आप कोई सीनरी लगा रहे हैं, कुछ होम डेकोर का आइटम इसमें हैंग करना चाहते हैं, तो इसको आप, इसमें टेप मिलता है इस तरह से, पीछे टेप लगा होता है, यहाँ से टेप निकाल दीजिए और इसको अच्छे से स्टिक कर दीजिए, फिर इसमें चीज़ें हैंग कर सकते हैं। और ये रोटेटेबल है तो इसको इस तरह से भी ऐसे किस ऊपर लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। इसको किचन में भी आप यूज कर सकते हैं, ये किचन में भी यूज़ हो जाता है, जैसे कलछी वगैरह, चमचा है, चम्मच है, या फिर कुछ भी आप हैंग करना चाहते हैं तो किचन में, बाथरूम में, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये इसकी एक चीज़ ऐसी अच्छी लगी, जैसे कभी हम घर में कुछ लगाते हैं, भले वो वॉच क्यों ना हो, वॉल वॉच हो, या कोई हमारा फ़ोटो फ्रेम हो, कुछ भी हो, तो हस्बैंड से कहना पड़ता है आप ड्रिल कर दो, आप कील ठोक दो। बट ये जब से मुझे दिखा ना, मैं अपने हस्बैंड की छुट्टी कर दी हूँ, मैं यही लगाती हूँ। और इससे पहले भी मैंने परचेस किया था, ये मेरा सेकेंड परचेस है, पहले का मीशो हॉल देखूंगी तो उसमें मैंने शेयर किया, सेकेंड परचेस है। क्योंकि मुझे अभी दिवाली के लिए अपने घर को अच्छे से सजाना है, तो कील ठोकने से क्या होता है, आपकी दीवार को भी नुकसान होता है, पेंट वगैरह निकल जाता है। इसको इजीली आप चिपका दीजिए, अच्छे से स्टिक हो जाता है और उसके बाद कहीं से आपकी दीवार ख़राब भी नहीं होगी, ठीक है। और एक बार लग जाता है तो निकालने की ज़रूरत क्या है। और कील में ये प्रॉब्लम होती है, एक जगह ठोको, ईंट वगैरह आ जाती तो लगती नहीं, फिर दूसरी जगह लगाओ, फिर उसमें दीवार ख़राब हो जाती है। तो इसका बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा, बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाता है और इसमें आप कुछ भी हैंग कर सकते हो।
काफी कुछ आप हैंग कर सकते हो, आप पेंटिंग लगा सकते हो इसमें, इसमें आप बच्चों के कपड़े भी हैंग कर सकते हो। तो ये हो गया 30 पीस का रिसीव हुआ था, काफ़ी अफोर्डेबल है ये प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, देख सकते हैं इतना सारा रिसीव हुआ है मुझे और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो आप इसको ले सकते हैं, डेफिनेटली हर घर में ये होना चाहिए मैं कह रही हूँ। तो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मीशो से ही मुझे रिसीव हुआ है, तो ये मैंने मंगाया था एक्चुअली होम डेकोर हॉल में, ये भी मैं शेयर कर रही हूँ बट मेरे पास है अभी तो शेयर कर दे रही हूँ। ये आइस रोलर मैंने मंगाया था, इसमें क्या होता है इसे दो का सेट मुझे रिसीव हुआ था, तो आई थिंक 90 में मुझे रिसीव हुआ था। तो इसमें आप क्या पानी डाल सकते हैं, कुछ आप इसमें कुछ जैसे कुकम्बर डाल सकते हैं, कीवी वगैरह डाल के इसको फ्रीजर में रख दीजिए और इसमें यहाँ से देखिए यहाँ पे और पूरा पानी यहाँ तक भर दीजिए, उसके बाद 4-5 घंटे बाद जम जाएगा, तो अपने चेहरे की मसाज वगैरह कर सकते हैं और जो हाथ में ठंडा ठंडा लगता था बर्फ़ वो भी नहीं लगेगा। तो देखिए पीच कलर में है, दो मुझे रिसीव हुए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये, और इसका जो प्लास्टिक है रबड़ है आई थिंक वो भी बहुत ही ज़्यादा औसम है, तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस, तो ये है मैंने ये इस तरह से प्लांट मंगाया था, आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने पीछे ही रखा था इसको एज अ होम डेकोर, बहुत अच्छा लगता है घर में आपकी ग्रीनरी रहती है। अब जैसे आप रियल प्लांट में क्या होता है हम घर में रखते हैं तो मिट्टी वगैरह अंदर गिरती रहती है ना, अगर उससे बचना चाहते हैं आप तो इस तरह के प्लांट रखिए घर में, ये वॉशेबल है अच्छे से, आपके वॉश भी हो जाएंगे अगर गंदे होंगे तो बहुत ही अच्छा है लगा मुझे ये, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिला गाइस। एक बार मैं मार्केट गई थी अभी 1 वीक पहले, तो मैंने उनके यहाँ पूछा इसको, तो ये मुझे दे रहे थे 850 में, बट मीशो से गाइस ये मैंने 450 में लिया है, जी हाँ आधे दाम में मैंने इसको लिया है, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सेम जैसे मार्केट में देखा था मैंने वैसी है, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कलर बहुत प्यारा है, इस तरह से है। अगर ये वाला आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप जो हमारे प्लास्टिक वाले प्लांटर आते हैं, गमले आते हैं, उसमें डाल के रख सकते हैं, तो अगर इसको आप गमले में डाल के इतना पार्ट रख दोगे ना तो कोई नहीं बता पाएगा कि ये आपका फेक प्लांट है, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको बैक कैमरे से पूरा लुक इसका दिखा दूँगी, बहुत ही अच्छा है, तो मेरी तरफ से ये हाईली हाईली रिकमेंडेड है। तो आशा करती हूँ मेरा ये छोटू सा हाल आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज वेट 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 गाइज, मैंने यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट भी लिया था, फैन डस्टर ब्लू कलर का, जो कि ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी बट इसकी जो लेंथ है काफ़ी मुझे छोटी लगी, फैन तक नहीं पहुँच पा रहा था, अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा था, इसका जो ऊपर वाला पार्ट था वो थोड़ा सा फ्लफी होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो इसको मैंने रिटर्न डाल दिया, मैंने कहा यहाँ पे आपको बता दूँ। तो ये वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप अच्छे से सर्च करती हूँ कि मेरा ये मिनी हॉल आपको पसंद आया होगा, और भी प्रोडक्ट मैंने बाय किए हैं तो उसको मैं शेयर करूँगी, साड़ियाँ ऑर्डर करी हैं तो साड़ियाँ जैसे रिसीव होती हैं वह भी शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और क्या देखना चाहते हैं मेरे इस चैनल पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप हॉल देखना चाहते हो, मेकअप देखना चाहते हो, स्किन केयर क्रीम देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, कौन सी वीडियो आपको पसंद है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।